और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख लें, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी नूरानी और निहायत सफेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी ऐसी सफेद नहीं कर सकता। और एलिया मूसा के साथ उनको दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। पतरस ने यीशु से कहा, रबी, हमारा यहां रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहे, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। फिर एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और उन्होंने यकायक जो चारों तरफ नजर की तो यीशु के सिवा और किसी को अपने साथ ना देखा। जब वो पहाड़ से उतरते थे तो उसने उनको हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी ना उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। उन्होंने इस कलाम को याद रखा और वापस में बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने के क्या मानी है। फिर उन्होंने उससे ये पूछा कि फकी क्यों कर कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। उसने उनसे कहा कि एलिया अलबत्ता पहले आकर सब कुछ बहाल करेगा, मगर क्या वजह है कि इब्ने आदम के हक में लिखा है कि वो बहुत से दुख उठाएगा और हकीर किया जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके हक में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फकीर उनसे बहस कर रहे हैं, और फिलफोर सारी भीड़ उसे देखकर निहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि ए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था, वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है, और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दे, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा, ए बे इत्काद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए और जब उसने उसे देखा तो फिलफोर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, क्या, अगर तू कर सकता है? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफोर चिल्लाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उसे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म देता हूं, इसमें से निकला और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह से नहीं निकल सकती। फिर वहां से रवाना हुए और गलील से होकर गुजरे, और वो ना चाहता था कि कोई जाने, इसलिए कि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और कत्ल होने के 3 दिन बाद जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को समझते ना थे और उससे पूछते हुए डरते थे। फिर वो कफरनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा कि तुम राह में क्या बहस करते थे? वो चुप रहे क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। फिर उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा कि अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वह सब में पिछला
और सबका खादिम बने और एक बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया। फिर उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उसे जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है। यूहन्ना ने उससे कहा, ए उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरुहों को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता था। लेकिन यीशु ने कहा, उसे मना ना करना क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मौजजा दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुन्दर में फेंक दिया जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो हाथ होते हुए जहन्नुम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो पांव होते जहन्नुम में डाला जाए जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आंखें होते जहन्नुम में डाला जाए जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मजेदार करोगे? अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो।